आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि अ कार इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ हाईवे एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 माइल्स पर आवर फॉर दी 10 सेकेंड्स। अब 10 सेकेंड्स के लिए एक कार क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और उसकी स्पीड जो है वो है 80 माइल्स पर आवर, और जो स्पीड है ये कांस्टेंट ही रह रही है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि स्पीड इज इक्वल्स टू 80 माइल्स पर आवर, और जो ये स्पीड है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, तो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हमसे बोल रखा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी इस केस में। तो अब जो एक्सेलरेशन होता है इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी, मतलब जब वेलोसिटी की डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी हमें क्या दे रखा है, डी बाय डी टी ऑफ 80 माइल्स पर आवर। अब ये जो वेलोसिटी दे रखी है हमें, क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो कांस्टेंट है, मतलब ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जब हम करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिलती है ज़ीरो। तो देयर फोर हमारा जो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी उस केस में, ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर यही इसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि देयर फोर इफ नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वी, देयर फोर नो एक्सेलरेशन। अगर कोई वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे तो उस केस में एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।